नमस्कार दोस्तों, मैं हूं घनश्याम और आप देख रहे हैं घनश्याम टेक। दोस्तों, निफ्टी की एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। इसमें हम निफ्टी और निफ्टी से जुड़े हुए स्टॉक के बारे में चर्चा करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं कि क्या लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए और जो स्टॉक निफ्टी में ट्रेड करते हैं उनके लिए। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों देखिए, निफ्टी कंटिन्यू यहाँ पर देखिए हर दिन पिछले दिन के लो को ब्रेक करता है और जब भी लो को ब्रेक करता है एक अच्छी खासी मूवमेंट ये नीचे की तरफ देता हुआ जाता है। ये अब ये आज देखिए लोवेस्ट पॉइंट के आसपास क्लोज किया है, लेकिन ये एक ट्रेंड लाइन जो ये ट्रेंड लाइन पे कंटिन्यू बार बार ये सपोर्ट ले रहा था, इसी ट्रेंड लाइन के पास में आ चुका है। तो अब यहाँ पे थोड़ा सा देखना पड़ेगा क्योंकि जो इंपॉर्टेंट लेवल अब इसके लिए है निफ्टी के लिए वो है 11,990 का लेवल। 11,990 के नीचे क्लोज करेगा तो फिर ये काफ़ी तेजी से एक बार फिर से नीचे आ सकता है, लेकिन सबसे अच्छा ये होगा कि ये कल यहाँ पर रुके और उसके बाद 11,990 के नीचे ब्रेक करेगा तो मूवमेंट हमें बहुत तेज मिल सकती है, क्योंकि ऑलरेडी हम 12,200 से आ रहे हैं तो ऑलरेडी हम 200 पॉइंट तो गिर चुके हैं। तो एक दिन अगर ये टाइम वाइज यहाँ पे होल्ड कर जाए, ज़्यादा बड़ी मूवमेंट ना हो लेकिन यहीं पे होल्ड कर जाए और उसके बाद नेक्स्ट डे में गिरेगा तब हमें एक अच्छी मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकती है। वैसे कल भी अगर डे लो को ब्रेक करता है तो मुझे लगता है कि 12,000 लेवल को एक बार टेस्ट करने के लिए निफ्टी आ सकता है। निफ्टी के लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो 12,000 के आसपास और ये ट्रेंड लाइन है, दोनों चीज़ें हैं। ये ट्रेंड लाइन भी 12,000 के आसपास में है और जो एक साइकोलॉजिकल लेवल होता है 12,000 वो भी यहाँ पे सपोर्ट करेगा, तो दोनों ही सपोर्ट यहीं पे मिलेंगे। रेजिस्टेंस देखा जाए तो 12,220 का, जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि 12,220 के ऊपर जब तक क्लोज नहीं करेगा इसमें ऊपर की साइड की जो चाल है वो ओपन यहाँ पर निफ्टी में नहीं होगी। निफ्टी के लिए अब जो देखा जाए अगर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज हम देखें 20 और 30 का, तो इसने आज आके इसके नीचे क्लोज करके दिया है, तो ये कंटिन्यू हम यहाँ पे इसके नीचे ही क्लोज कर रहे थे। एक दो दिन हमने यहाँ पे ऊपर की तरफ क्लोज किया, अब फिर से इसके नीचे हम आना स्टार्ट कर चुके हैं निफ्टी में। तो अब चलिए निफ्टी में देखते हैं कि निफ्टी में ऐसे कौन से स्टॉक्स हैं जो निफ्टी को ऊपर या नीचे ले जाने में मदद कर सकते हैं। पहला स्टॉक से हमारा यहाँ पे अदानी पोर्ट। अदानी पोर्ट में देखिए ये देखिए सपोर्ट लेवल इसके पास है 360-355 का क्लोजिंग बेसिस पे। अब इसके नीचे जब तक ये क्लोज नहीं करेगा तब तक देखिए यहाँ पे ट्रेड लेना थोड़ा सा मुश्किल है। कंटिन्यू ये देखिए 80 से हम 60 तक आए हैं, तो अगर एक दो दिन ग्रीन कैंडल बने और उसके बाद ये 55 के नीचे क्लोज करे तब यहाँ पर एक शॉर्ट पोजिशन ओपन होगी जो कि इसको 45 तक लेके जा सकती है। एशियन पेंट में देखा जाए तो कंटिन्यू कंसॉलीडेट कर रहा हायर एंड पे अपने, इसको क्लोजिंग वेट करनी है। क्लोजिंग अगर 1900 के ऊपर ये देता है तो समझ जाइए ये कम से कम 70 रुपए की मूवमेंट यहां से ऊपर की साइड में दे सकता है, लेकिन क्लोजिंग 1905 के ऊपर इसकी होनी चाहिए। उसके बाद ही उस कंडीशन में जो स्टॉप लॉस आपका होगा वो 1870-1865 का बनेगा। यहां पे बजाज ऑटो उस रेंज में ही फंसा हुआ है तो यहां अभी कुछ नहीं करना है। बजाज फिंसर देखिए अब यहां पर कंसोलिडेट कर रहा था, 4-5 दिन यहां पर कंसोलिडेट करने के बाद ये नीचे की साइड में ब्रेक किया है, तो मेरे ख्याल से कल अगर ये 9500 के नीचे ट्रेड करता है तो आपको यहाँ पे 100 रुपये की मूवमेंट मिल सकती है और ये 9400 के पास तक आ सकता है बजाज फिंसर। बजाज फाइनेंस ये भी कंसोलिडेट ही कर रहा है 2-3 दिनों से, देखते हैं अब इसकी क्लोजिंग अगर 47 के नीचे होगी तभी ये वीक होगा, या 48 के ऊपर क्लोज करेगा तो फिर से आपको यहाँ पर 60-70 पॉइंट के गेन देखने को मिल सकते हैं। भारतीय एयरटेल देखिए आज ये ऊपर की तरफ नहीं गया तो एक ध्यान रखिएगा, कल अगर इस लेवल को क्रॉस करता है यानी 68-69 कल क्रॉस करेगा तो ये बहुत तेज़ी से जा सकता है और 580 तक ये जा सकता है भारतीय एयरटेल। BPCL में अभी कोई भी फिलहाल नहीं है। ब्रिटानिया भी देखिए रिजल्ट अच्छे रिजल्ट आने के बाद में भी ये लोएस्ट पॉइंट को ब्रेक करते हुए चल रहा है, तो ये 3070 के नीचे अगर कल इंट्राडे में ट्रेड करे तो 3050 के टारगेट यहाँ पर आ सकते हैं। सिप्ला में भी अभी कुछ नहीं है। डॉक्टर रेड्डी देखिए एक अच्छी मूवमेंट के बाद में कंटिन्यू 2 दिनों से इसी जगह कंसोलिडेट कर रहा है अभी। यहाँ आइसर मोटर में कोई व्यू नहीं है। गेल में भी शूटिंग स्टार कैंडल बनी, देखिए रेजिस्टेंस के आसपास यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी, यहाँ पे शूटिंग स्टार बनी। शूटिंग स्टार देखिए काफ़ी अच्छे से वर्क करती है गेल में। अगर ध्यान से आप चार्ट को देखेंगे ना तो ये चार्ट जो बोलता हूँ ना स्टॉक्स का कैरेक्टर, तो ये इसका कैरेक्टर है कि टॉप पर जाके कभी भी अगर शूटिंग स्टार बनती है तो ये स्टॉक्स बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ मूवमेंट करता है। और देखिए नीचे की तरफ हैमर यहाँ पर बन रही है, तो सपोर्ट इसका अगला शायद 1414 के पास में मिल सकता है। ग्रासिम यहाँ पर भी कुछ खास तो नहीं दिख रहा है मेरे ख्याल से, कल अगर एक बार 730 के नीचे क्लोज हो जाए फिर हम एनालिसिस करेंगे। SCL टेक उसी जगह के आसपास ये कंटिन्यू घूम रहा है। HDFC अब देखिए 2350 के नीचे क्लोज करने की तैयारी कर रहा है फिर से, तो कल अगर ये आज के लो के नीचे ट्रेड करता है यानी 2345 के नीचे ट्रेड करता है तो इसमें
25 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। हीरो मोटर को आप पहुंच चुका है अपनी जगह। देखिए बहुत दिनों से, बहुत पहले मैंने इसकी एनालिसिस करके आप लोग को डाली हुई है कि इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है 2269। 2269 के नीचे की क्लोजिंग इसको काफ़ी वीक करेगी, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर देखिए तो एक देखिए क्या अच्छा यहाँ पे पैटर्न बना हुआ है। मैंने आप ऑलरेडी इसको बना के आप लोग को बताया हुआ था। तो अब यहाँ पे देखिए इसके लिए काफ़ी खतरे की घंटी है 2269 के नीचे अगर क्लोज करेगा तो। हिंडाल्को यहाँ पे कुछ खास भी हिंडाल्को में मेरा अभी नहीं है, हिंद पेट्रो में भी नहीं है। हिंदुस्तान यूनिलीवर ऑलरेडी हमारा एक टारगेट जैसा मैंने बताया था वो हो गया। फिर देखिए उसी तरह के पैटर्न बना रहा। ये प्राइस वाइज मूवमेंट एक दो दिन होने के बाद ये कंसोलिडेट करने लगता है, और कंसोलिडेट के बाद में फिर ये नई चाल पकड़ता है। जब ये नई चाल पकड़ता है तो जो भी रेंज बनाता है उस रेंज को एक से दो दिन में ये कवर करने के लिए तैयार बैठा रहता है। तो फिलहाल अभी रेंज बनाने देते हैं, क्योंकि अभी दो दिन ही हुए हैं। जैसे ये रेंज बन जाएगी फिर से, फिर यहाँ पे समझ में हमें आएगा इस रेंज में ये लेवल इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए क्लोजिंग बेसिस पे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस देखिए अभी नीचे की तरफ, जैसा हमने बताया था यहाँ पे कि 335 के ऊपर 66 का टारगेट यहाँ पे मिल सकता है। तो देखिए 61 का इसने हाई लगाया था, उसके बाद से कंटिन्यू नीचे की तरफ अब ये चल दिया है। तो फिलहाल इसके पास जो सपोर्ट है वो 290 से लेकर 300 के बीच में मिलेगा। इंफ्राटेल में कोई व्यू नहीं है, इन्फी कंटिन्यू बने रही है। जो हमारा देखिए स्टॉप लॉस 760 का है तो बने रही है यहाँ पे। मेरे ख्याल से अब स्टॉप लॉस आप 770 का लगा लीजिए क्लोजिंग बेसिस पे। ITC में कोई खास व्यू नहीं है। JSW स्टील टॉप पे कंसोलिडेट कर रहा है तो इसमें भी वेट करते हैं। LNT में कुछ खास व्यू मेरा LNT में, अच्छा ओके LNT नीचे की तरफ है। तो LNT में अब देखिए 1280 के नीचे ये क्लोज करने की कोशिश करेगा। कल अगर 1277 को ये ब्रेक करता है तो उसके बाद एक ट्रेड ले सकते हैं 1260 के टारगेट के लिए। दोस्तों अगर आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस लिंक के जरिए जाके आपको जीरोधा में अकाउंट ओपन करना है, और अकाउंट ओपन होने के बाद में आप हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। लूपिन में कुछ खास यहाँ पे नहीं दिख रहा है। M&M में भी अभी नहीं है। मारुति मेरे लिस्ट से बाहर अभी चल रहा है। ONGC देखिए लो को ब्रेक कर दिया, इसको छोड़ देते हैं। रिलायंस पे फोकस करते हैं, ये क्या बन रहा है। तो यहाँ पे देखिए एक शूटिंग स्टार कैंडल बन गई है। 1500 जो पहले जो सपोर्ट का काम कर रहा था वही यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला और वहीं पे इसने शूटिंग स्टार बनाया। तो कल इस पे ध्यान रखिएगा, कल ये आज के लो को ब्रेक करता है 74 के नीचे तो शायद ये 64 और ये 55 के लेवल दिखा सकता है इंट्राडे में। ये सनफार्मा, मेरा सनफार्मा पे कोई व्यू नहीं है। टाटा मोटर में पहले से अब बेरी सोच रहा हूँ। टाटा मोटर जब भी 160 के नीचे क्लोज करेगा काफ़ी तेज़ गिरावट यहाँ पे आ सकती है। टाटा स्टील में कोई व्यू नहीं है। TCS उसी जगह पे होल्ड कर रहा है। टेक महिंद्रा ऑलरेडी हमने 800 पे बाइंग के लिए रिकमेंड किया है। जो स्टॉप लॉस हमारा 810 का था वो स्टॉप लॉस अब हम 820 के ऊपर लेके आएंगे क्लोजिंग बेसिस पे। टाइटन कंटिन्यू बने रही है। देखिए टाइटन बहुत अच्छा मूव कर रहा है, जैसे कि मैंने वीडियो में बना के भी डाला हुआ था आप लोग को। तो कल अगर ये वापस 1320 के ऊपर निकलता है तो यहाँ पे एक बार फिर से 12-13 रुपए की मूवमेंट इंट्राडे में मिल सकती है। अल्ट्राटेक में वेट करना है। UPL मेरी लिस्ट से बाहर अभी चल रहा है। वेदांता कंसोलिडेट कर रहा है। विप्रो में भी कुछ खास अभी नहीं दिख रहा है। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा नया YouTube चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाके ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे मैं टेक्निकल A to Z सारी चीज़ें बता रहा हूँ, तो उसको आप देखिए समझिए और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगला स्टॉक से हमारा यहाँ पे जील का, तो जील में भी कंसोलिडेट ही कर रहा है। तो चलिए देखते हैं हमें निफ्टी कहाँ पर बाइंग और कहाँ पर सेल करना है। दोस्तों हमारा मास्टर ऑफ बैंक निफ्टी का अगला ट्रेनिंग प्रोग्राम पुणे में है 1 मार्च को। तो जो भी सज्जन पुणे के लिए इंटरेस्टेड हैं वो हमारे नंबर पे कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, और वही सज्जन ट्रेनिंग के लिए आएँ जो कम से कम 4 से 6 महीने की प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों हम निफ्टी को बाइंग करेंगे अगर ये 12070 के ऊपर निकलता है तो। छोटे से टारगेट के लिए बाइंग करना है। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 12100 का, सेकंड टारगेट होगा 12130 का, और थर्ड टारगेट होगा 12160 का। स्टॉप लॉस होगा हमारा 12070 का। अगर ये नीचे की तरफ 12030 ब्रेक करता है तो हम इसे सेल करेंगे। हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 12000 का, सेकेंड टारगेट होगा 11970 का, और थर्ड टारगेट होगा हमारा 11940 का। स्टॉप लॉस होगा हमारा 12000
60 का। दोस्तों अगर आप भी हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और आपके पास ऑलरेडी जीरोधा का अकाउंट है तो यूट्यूब मेंबरशिप आप लेके हमारे सपोर्ट ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो मेंबरशिप लेने के बाद मेंबरशिप का स्क्रीनशॉट हमारे व्हाट्सअप नंबर पे भेज देंगे तो आपको हम यूट्यूब सपोर्ट के ग्रुप में ऐड कर लेंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और नए मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।